वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आज आप देख पाएंगे कि नेवी डबल ए का जो आज मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है 12 तारीख को, वो बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप और मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और बहुत सारे बच्चों के लिए, सभी के लिए थैंक यू सो मच जिन्होंने यूट्यूब पर कमेंट करके अपने रिप्लाई दिए और उन्होंने क्वेश्चन बताए और यूट्यूब पर जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे। देख सकते हैं यहाँ पर, ये इन्होंने बोला है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, फिजिक्स का थोड़ा टफ था। और देखो, IIBM का फुल फॉर्म, भूटान की करेंसी क्या है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तिरुपति टेम्पल कहाँ पर है, मेजर ध्यानचंद्र ठीक है कौन से खेल से संबंध रखते हैं, और दो एक्टिव पैसिव आए थे, और कोंकण का सृणम पूछा गया था। दो तीन जो क्वेश्चन थे वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, SCB का फुल फॉर्म, MX का फुल फॉर्म, और आपको देखो इस तरह का एक सीरीज दिया था, उसमें पूछा था कि नेक्स्ट क्या होगा। देखिए, ये जो मुझे पेपर सेंड किया है, ये सेंड किया है कि इन्होंने बोला है सर इंग्लिश तो आपने पढ़ाया था वही आया है। चलिए, इन्होंने बोला कि मेरे 15+ तो इंग्लिश में हो जाएंगे। ये इनका नाम है शिवांशु फ्रॉम एटा। शिवांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिन्होंने नाम नहीं बताया। देखिए, अगर आप मुझे पेपर सेंड करते हैं या फिर कमेंट करते हैं तो डैम श्योर, अगर आप व्हाट्सएप पर कुछ सेंड कर रहे हैं तो अपना एक फ़ोटो और अपना नाम ज़रूर सेंड किया करें, ताकि उसे पता चले कि हाँ, ये आपने हमारी मदद की है। ये मौके बार बार नहीं आते। अब देखिए, यहाँ पर मैं बता दूँ, इस तरह के क्वेश्चन थे जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, ट्रेन में ही बैठ करके और ये पेपर बना दिया। चलिए, इसके बाद देखो कुछ हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इनका कहना है कि सर जो आपने पढ़ाया था इंग्लिश में सेम वही आया था, और थैंक यू आपके प्यार के लिए। चलिए, इनका नाम है समद। समद जी, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्होंने बोला है सर आज के क्वेश्चन है IIBM की फुल फॉर्म, 15 अगस्त 1947 को जो था वो कौन सा दिन था, पैसे से एक माउंट एवरेस्ट पर पूछा गया था, कैंसर का एंटोनम, कैंसर नहीं होगा कॉन्कर होगा ठीक है, सर्दी का सिनोनिम्स, और दो एक्टिव पैसिव, दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन WH फैमिली से आया था, तो वो आप देखिए, अगर आपको नहीं आते हैं एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप सर्च कर लीजिए भाई राम सर लगा करके। आगे बोला है कि सर चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, और फिजिक्स और मैथ भी इजी था सर, अच्छा गया, 74 क्वेश्चंस इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं। आगे देखिए, इस तरह का आपको एक क्वेश्चन आया था, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला है कि देखो कॉन्कर का एंटोनिम था, पैरोल का एक वन वर्ड आया था, स्प्लेंडेड का सिनोनिम्स आया था, मैथ्स में बॉबल वाले यू नो वर्ड जो OE के ऑड प्लेस पर होते हैं, फ्रैक्शन की डायमेंशन पूछी गई थी, भूटान की मुद्रा, और 2, 3, 4 की एक्स एक्सिस कौन सी होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं, बता दूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कानपुर के रहने वाले हैं, 15 अगस्त, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर कुछ भी नया मिलेगा, देखो यहाँ पूछा है पैसेज बहुत इजी था, अग्नि जो 4 थी वो कहाँ से लॉन्च की गई थी, सेंट्रोन का ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आया था, और ये देखिए हार्ड एंड फास्ट का एक ईडियम आया था जो मैं करा चुका हूँ, जो किसी को बाली के बारे में बात होती। चलिए, इसके बाद देखो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस मुझे सेंड किए हैं। अग्नि 4 कहाँ से लॉन्च हुई थी, सर्बेट था ये, और देखिए यहाँ पर इस तरह का एक मैथ्स का क्वेश्चन था लिमिट वाला। इसके साथ ही साथ और दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए और देखो भूटान की करेंसी ये आपको पता ही होगा, और पैसेज में एवरेस्ट के बारे में ये बता रहे हैं, और चिपको मूवमेंट आपको बता दें, एक ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अदर नेम से रिलेटेड एक पूछा गया था, और एक बुक के राइटर का भी नाम आया था। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताते जा रहा हूँ उन्हें आप नोट करते जाइएगा और उनको आराम से आप पढ़िए। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर बोला कि पैसेज वो सब बता दिया, MT में ईयरली क्या बदलाव आया है, चिपको ये हो गया बुक राइटर, और देखो दो पावर थी 100 एंड, और दो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, इस तरह की सेकेंडरी पावर पूछ रहा था। यहाँ पर देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन चैप्टर से क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको एक वेलोसिटी इन ट्रांसफर अल्फा, इस तरह का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड RI ये भी था, अफाइड इंस्टीट्यूट ये भी था, और डिस्टेंस भी यहाँ पर पूछ ली गई थी। तो अगर हम बात करें तो अच्छा क्वेश्चन पेपर इन्होंने मुझे बताया, पूरा का पूरा पेपर ही बता दिया। इसके बाद देखिएगा, फाइंड सर्कल व्हेन सेंटर पासिंग पॉइंट आर गिवन। चलिए, आगे बात की गई है, ध्यानचंद जो संबंधित है वो कौन से खेल से संबंधित है, हॉकी चैंपियनशिप 2018 किस स्टेट ने जीता था, और इसके साथ ही साथ ये इनका फोटो है।
आगे देखते हैं, ये हिमांशु हैं जो कि रुड़की से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बोला कि सर पैसेज माउंट एवरेस्ट पर था, कॉन्कर का उल्टा आया था, और इन्होंने भी सेम वही बताया है। बट आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपने क्वेश्चंस यहाँ पर रखे। फ्रिक्शन कॉन्स्ट की डायमेंशन भी यहाँ पर पूछ ली गई थी। चलिए और देख लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए इन सारे क्वेश्चंस को। देखिए और भी इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन मुझे हुए सेंड किए हैं। कॉस एक क्वेश्चन इंटीग्रल से था, एंड एच हॉस्पिटल रूल से लिमिट वाले क्वेश्चन भी आया था। तो दोस्तों इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको लेके चलता हूँ अपने YouTube पर, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने सारे बच्चों ने जवाब दिए हैं। चलिए अब हम अपने पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने 12/8/2018 के लिए कुछ मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, कौन कौन से आए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पवन गुप्ता जी हैं, और इन्होंने बाकी में पूरा का पूरा पेपर ही बता दिया है। तो पवन गुप्ता जी सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर किए, इतना सारा टाइप किया, इस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पवन गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं सर, देखिए ये बोल रहे हैं कि सर मैं कानपुर से, पैसेज बिल्कुल इजी था, सॉर्बिट का सिनम्स था, 15 अगस्त 1947 कौन सा डे था, कॉन्कर का एंटनम, अग्नि 4 कहाँ से लॉन्च हुई थी, एक फील्ड से आया था, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल था, एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फीड करना था, सॉर्बिट क्या था, हार्ड एंड फास्ट ईडियम था, और लिमिट भी यहाँ से जब किसी को बेल के बारे में बात होती है उसको वन वर्ड परोल, एंड हमारी पिक शो। अरे वाह, पिक तो आराम से, वैसे अच्छे काम करने वाला हूँ कि तो बहुत जल्दी शो करता हूँ मैं। इसके बाद देखो भूटान की करेंसी आई थी, एंड लाइकनिक कैपिटल, पैसेज में माउंट एवरेस्ट के ऊपर था। चलिए ये सब इन्होंने बता दिया है, बुक का राइटर था, ये पूरे क्वेश्चंस आप जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्होंने बाकी में पूरा का पूरा पेपर ही यहाँ पर बता दिया है। तो आप गुप्ता जी आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर देखो और भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, अमित कुमार ने अपने जवाब दिए, एमएक्स का फुल फॉर्म आया था सर। चलिए और यहाँ पर देखिएगा फुल फॉर्म, सुरेश कुमार क्या बोल रहे हैं सर, IIBM तिरुपति बालाजी मंदिर, भूटान की करेंसी, और 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखिए हमारे बहुत सारे फ्रेंड ने यहाँ पर कमेंट में करके अपने अपने जवाब यहाँ पर भेजे हैं। तो देखिए कुशेंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं, कुशेंद्र जी कैसे हैं आप, अच्छी पढ़ाई करना। देखो यहाँ पर इस सीरीज का क्वेश्चन इन्होंने बताया। चलिए इसके बाद देखो बोल रहे हैं कि SSR की तैयारी कब कराएंगे। तो देखिए SSR बस इनका ब्रदर, अभी इनका हो जाता है नेवी डबल ए का, इसके बाद हम नेवी SSR पर ही ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पर एक सीरीज का क्वेश्चन इन्होंने बताया है, तो ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, बट बच्चों के अकॉर्डिंग सर इसमें जो फिजिक्स का लेवल है वो थोड़ा बाकी में थोड़ा थोड़ा ध्यान देने वाला आ रहा है। चलिए ये देखिए अभिषेक गुप्ता जी ने भी हमें बताया है, तो ये बोल रहे हैं कि सर आपका पढ़ाई हुआ एंटनम भी पूछा गया था, मैथ्स इजी था, इंग्लिश इजी था। तो देखिए अब ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चों की कमेंट आप पढ़ेंगे या फिर जो भी एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए आपको अलग से कोई भी तैयारी नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ चैनल पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो एयरफोर्स एक्सपाई हो, चाहे बैंक हो, चाहे वो नेवी हो, SSR AA कोई भी हो, सबके लिए इंग्लिश मैंने बता रखा है, सबको कॉन्सेप्ट से समझाया है। तो इंग्लिश वहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही है, बस आपको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। और दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट करके अपने इतने सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई किया, इतने सारे क्वेश्चंस आपने शेयर के लिए, ये सब के लिए आपका रियली बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना ये आपका परम कर्तव्य है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक दें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।